दिति के दो पुत्र हुए कौन कौन? हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष का वध भगवान ने वराह अवतार में किया। हिरण्यकश्यप अपनी भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहते हैं। उनका विवाह कयादु नामक कन्या से हुआ, जिनसे उनको पुत्र हुआ प्रहलाद। बचपन से प्रहलाद जी को सिखाया गया भगवान यानी तुम्हारे पिता, तो वो उनको यही लगता था भगवान यानी मेरे पिता। अब यहां पर भगवान से युद्ध करना है तो उसके लिए शक्ति चाहिए, वरदान चाहिए, तो तप करने जाते हैं। तप करने पेड़ के नीचे बैठते हैं। पेड़ के ऊपर एक सुवा बैठा था, सुवा यानी तोता, उसने कहीं से सुन रखा था। तो जैसे ही राजा बैठते हैं कि उस तोते ने कहा नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यपु ने कहा आज का दिन ही खराब है। वो वापस आ गया। आ गया तो पत्नी ने देखा, पत्नी कहे कि आप तो तपस्या करने गए थे। बोले गया तो था पर पेड़ के ऊपर एक सुवा बैठा था, उसने कहा नारायण नारायण नारायण। पत्नी सोचे कि आज तक तो भगवान का नाम ऐसे लिया नहीं, हमेशा वो विष्णु वो शत्रु। अब उसे लग रहा है कि मैं 108 नाम कहलवा लूं आज, आज इनके मुख से एक माला। तो अब वो क्या करे, वो हर थोड़ी देर में राजा के पास आए और आकर कहे अरे प्रभु आप तो तपस्या करने गए थे ना। अब वो कहे मैंने बताया ना कि मैं गया पेड़ के ऊपर एक सुवा बैठा था, उसने कहा नारायण नारायण नारायण। करते करते रात तक उसने 105 नाम कहलवा लिए, बाकी बचे। अब उसको इतना डर लग रहा है कि इतनी बार वो कह चुका और इतना क्रोधित हो चुका। अंत में वो दूध का ग्लास रखती है, दूध दरवाजे के पास जाकर खड़ी होती है और कहती है कि बच्चों ने बड़ा परेशान करके रखा है, उनको संभालने के चक्कर में मेरा दिमाग आजकल काम नहीं करता, कुछ भी याद नहीं रहता। प्रभु अंतिम बार आप तो तपस्या करने गए थे ना। अब वो जोर से कहे मैंने कहा ना मैं गया पेड़ के ऊपर एक सुवा बैठा था, उसने कहा नारायण नारायण नारायण। अब वो कहे अब याद रहेगा। पर फिर वो दूसरे दिन तपस्या करने जाते हैं, काफी समय तक तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, क्या चाहिए वरदान में? ब्रह्मा जी से कहा उसने कि मुझे अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी कहे अमरता का वरदान मेरे बस का, ये वरदान केवल विष्णु भगवान दे सकते हैं, कुछ और मांगना है तो बताओ। तो उसने क्या क्या मांगा, वो कहता है 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब ये तो अमरता ही हो गया, जब कोई समय नहीं मार सकता, कोई व्यक्ति नहीं मार सकता, पशु नहीं मार सकता, ये मरे कैसे फिर? अब वो अपने राज्य वापस आए। यहां प्रहलाद जी थोड़े बड़े हुए। अब एक दिन प्रहलाद जी खेलते खेलते राजमहल से बाहर जाते हैं तो एक कुमारिन का घर मिलता है। वो कुमारिन रो रही थी, तो प्रहलाद जी अंदर जाते, प्रहलाद जी ने कहा क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? वो कहे मैंने बिल्ली के दो बच्चे पाले थे, मुझे पता नहीं कब वो इस मिट्टी के पात्र में छिपकर बैठ गए और मैंने इसको आग पर चढ़ा दिया और उसने कई हांडियां चढ़ाए, उसे ये भी नहीं पता कि उनमें से किसमें वो है। तो वो कहे कि मैंने भगवान पर छोड़ दिया, मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि वो रक्षा करे। प्रहलाद जी कहे इसमें से रोने की क्या बात है, मुझे बता दो मैं भगवान से क्या आता हूं। वो कहे राजकुमार आप भगवान को जानते हैं? जानता हूं, मैं उनके साथ रहता हूं।
मेरे पिता तो भगवान है। वो कुमारिन कहे, अपने आप को भगवान कह देने से कोई भगवान नहीं बन जाता। अरे भगवान तो वो परम पिता परमेश्वर है। अब कोई भी अच्छा बेटा अपने पिता के खिलाफ तो कुछ सुनेगा नहीं। प्रहलाद जी ने तलवार निकाल ली। प्रहलाद जी कहे, मैं अपने भगवान को दिखा सकता हूं, तुम्हारे भगवान है तो सामने आने को कहो। ये लीला है, देखिए। भगवान दर्शन देंगे नहीं तो वो भक्त बनेगा कैसे। अब कुमारिन रोते हुए भगवान को पुकारती है और भगवान विराट रूप में दर्शन देने आते। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। यहाँ प्रहलाद जी के हाथ से तलवार छूट गई भगवान का, इतना भव्य रूप देखकर। अब वो रूप देखने के बाद तो प्रहलाद जी के मुख में केवल एक ही नाम है। कौन सा नाम? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन। भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन। अब यहाँ पर राजमहल के अंदर जाते हैं, यही श्रीमन नारायण करते करते राजा तक आवाज पहुंचती है। राजा कहे, कौन है जो मेरे राज्य में मेरे शत्रु का नाम ले रहा है? सेवकों ने कहा कि राजकुमार प्रहलाद है। प्रहलाद, उसे मेरे पास लेकर आओ। दूसरी तरफ दूसरे सेवकों से कहा कि गुरुकुल से गुरुजी को बुला कर लाओ। गुरुजी कौन? हमारे आपके गुरु नहीं। अब जैसे जो राजा होते थे तो उनके लिए द्रोणाचार्य इत्यादि गुरु उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए थे। अब राक्षसों के लिए भी तो कोई होना चाहिए, तो राक्षसों के बच्चों के लिए भी गुरु होते थे। उनको वो राक्षसी विद्या सिखाते थे, दैत्यों की विद्या सिखाते थे, तो उस तरीके के गुरु। उनको निमंत्रण भेजा, बुलाया उनको। अब प्रहलाद जी को बैठाते हैं। वो कहे कि पुत्र, किसका नाम ले रहे हो? प्रहलाद जी कहे कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूं। अरे, मैंने तुमको बताया ना, भगवान यानी तुम्हारे पिता। अब वो कहे, नहीं, भगवान तो एक ही है, श्री हरि, केवल श्री हरि। यहाँ पे इतने में गुरु जी आते हैं तो कहते हैं, प्रहलाद को लेकर जाओ और इसको समझाओ कि भगवान यानी इसके पिता, राक्षसी विद्या सिखाओ। ठीक है, लेकर जाते हैं गुरुकुल। अब सब बच्चों को बैठाते हैं। सबसे गुरुजी ने कहा कि कहो, हिरण्यकश्यपु नमो नमः, हिरण्यकश्यपु नमो नमः। बच्चे कहने लगे, इतने में बीच से एक आवाज आती है, नहीं, कहो जय श्री हरि। गुरुजी कहते, हम किसी हरि को नहीं जानते। अब जैसे ही कहा हम किसी हरि को नहीं जानते, यहां गुरुजी की तबीयत होने लगती है खराब। अब उनको पीड़ा हो रही, कभी कहीं पीड़ा हो, कभी कहीं दर्द हो, कभी कुछ हो रहा है। अब वो औषधियां मंगा रहे हैं, वैद्य को बुलाया जा रहा है, हर कोशिश कर रहे हैं, पर उनकी पीड़ा खत्म नहीं हो रही। अब यहाँ दवाइयां काम करते तो कहते ना कि अब दवाएं नहीं, अब दुआएं असर करेंगी, तो यानी भगवान की प्रार्थना। तब वो अपने भगवान को पुकारा। वो कहे, हिरण्यकश्यपु नमो नमः, हिरण्यकश्यपु नमो नमः। अब वो जैसे जैसे हिरण्यकश्यपु नमो नमः कहे, उसका दर्द और बढ़ जाए। अब यहाँ प्रहलाद जी कहते कि आपने सारी कोशिश कर ली, अब एक बार कहकर देखिए जय श्री हरि। अब वो कहे, हम हरि को नहीं जानते, और दर्द बढ़ जाए। मानो भगवान कोई बटन लेके बैठे हो, जैसे ही कहे हरि को नहीं जानते, उसको तकलीफ हो रही है। प्रहलाद जी कहे, आप एक बार कहकर तो देखिए, अगर नहीं ठीक हुआ तो आप कभी नाम मत लेना। अब उसको इतनी पीड़ा हो रही है कि अब उसको लग रहा है कि भाई छोड़ो, वो जिसका नाम कह रहा है ले लेते। तो कहने लगे जय श्री हरि। अब वो जैसे जैसे भगवान का नाम ले, उनकी तकलीफ कम होते रहे। वो कहे जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, बिल्कुल ठीक हो गया। अब वो इतना प्रसन्न हुआ कि अब वो प्रहलाद जी से कहे, हमें और बताओ, हम और किसका नाम ले, तुम्हारे भगवान कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं। अब सब नीचे बैठे, प्रहलाद जी ऊपर बैठे, जिसको शिक्षा देना चाहिए था वो शिक्षा ले रहा है।
प्रहलाद जी बता रहे हैं कि भगवान कैसे। अब यहाँ पर हिरण्यकश्यपु सेवकों को भेजते कि जाकर देखो प्रहलाद ठीक से सीख रहा है कि नहीं। सेवक आकर कहते प्रभु सीख नहीं रहा है, सिखा रहा है। क्या मतलब? अरे बोले वहां भजन कीर्तन हो रहे हैं। राजा को इतना क्रोध आया, राजा ने कहा मुझे ऐसा बेटा ही नहीं चाहिए, ऊंचे पहाड़ से नीचे पानी में गिरा दो इसको। गिरा दिया, कुछ नहीं हुआ। जलाकर मारने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। गरम गरम खौलते हुए तेल में डाला गया, कुछ नहीं हुआ। विष देकर मारने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। जिसके सर पर उसका हाथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब यहां पर बड़ी कोशिशें करी गई पर प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ। अंत में राजा ने कहा कि अब मैं किसी और के भरोसे नहीं रहूंगा, मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा। तो 20 सभा में लेकर आते और सब आए हैं, प्रजा से भी कई लोग आए हैं। क्यों? क्योंकि राजा अब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे से अगर दुश्मनी ली तो जगर अगर मैं अपने बेटे को मार सकता हूं तो सोचो मैं किस किस को मार सकता हूं। तो लेकर आते हैं। अब राजा प्रहलाद जी से कह रहे हैं कि आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता दे भगवान कौन है। प्रहलाद जी कहते श्री हरि, केवल श्री हरि। राजा कहते तू नहीं, तेरी मृत्यु बोल रही है। तलवार निकालते हैं, मारने लगते हैं कि बीच में माता कयाधु आ जाती है। अब तलवार उनको लग जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। राजा कहे तेरे कारण तेरी माता की मृत्यु हो गई। जो सच में भगवान से प्रेम करते हैं ना, यानी भगवान के पूर्ण रूप से भक्त बन जाते हैं, उनको दुनिया अच्छी नहीं लगती। उस भक्ति में समय लगता है कि इस दुनिया से पूरा ही जुड़ाव कम हो जाए और पूरा जुड़ाव भगवान से हो जाए। पर जिस दिन हो गया उस दिन व्यक्ति पूरा भक्त बन जाता है। तो प्रहलाद जी को ये बात दुखी नहीं कर रही। अब वो कह रहे कि तेरी वजह से तेरी माता की मृत्यु होगी। प्रहलाद जी कहते मृत्यु नहीं हुई, वो श्री हरि की हो गई। मुझे भी यहां नहीं रहना पिताजी, मुझे भी वहीं जाना है, यहां कुछ नहीं रखा। अरे ये रोने की बात नहीं है, ये तो और भगवान को मनाने की बात है कि जो कृपा उन पर हुई वो मुझ पर भी हो। अब सोचिए वो कितना भयमुक्त हो चुका है कि राजा तलवार लेकर सामने खड़े हैं पर प्रहलाद जी क्या कर रहे हैं। राजा कहे बंद करो मेरे शत्रु का गुणगान, अरे हरि 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 कहाँ है तेरा हरि। प्रहलाद जी कहते वो हर जगह है, वो मुझ में है, वो आप में है, वो जीव में है, निर्जीव में है। राजा कहे निर्जीव में है तेरा श्री हरि? बोले हाँ निर्जीव में भी है। अब वो आसपास देखने लगे, उसको एक खंभा दिखता है। वो कहे इस खंभे में है तेरा श्री हरि? प्रहलाद जी कहते इस खंभे में भी है। तो बोले मैं इस खंभे को ही तोड़ता, देखता हूं इसमें से तेरा हरि निकलता है क्या। ना वो गदा उठाता है, एक दो तीसरी बार मारते ही वो खंभा टूटता है और उसमें से भगवान का नरसिंह अवतार बाहर आता है। बोलिए नरसिंह भगवान की। अब दोनों के बीच युद्ध होता है, भयानक युद्ध होता है। अब भगवान जब वो अधमरी हालत में है, अब उसको मारना है, तो भगवान उसे अपनी जांघों पर लेटाते हैं। भगवान कहते हैं अब मैं तुझे मारने जा रहा हूं, लेकिन तेरे मन में कोई शंका ना रहे कि मैंने तो ब्रह्मा से वरदान मांगा था, तो तुझे बता दूं कि मैं तुझे ब्रह्मा के दिए हुए वरदान के दायरे में रहकर मार रहा हूं। भगवान कहते तूने कहा था 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं, तो ये 13वां महीना पुरुषोत्तम महीना है। तूने कहा ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, तो मैं दहलीज पर बैठकर तुझे मार रहा हूं। वो अंदर होता है ना बाहर होता है, जब उस पे कोई खड़ा रहता है तो लोग कहते ना या तो अंदर रहकर बात करो या बाहर, क्योंकि वो दोनों ही नहीं माना जाता। तो भगवान कहते मैं दहलीज पर बैठकर तुझे मार रहा हूं।
तूने कहा था ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो मैं शाम के समय तुझे मार रहा। तूने कहा ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, देख मुझे, ना मैं नर हूं ना मैं पशु। तूने कहा ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तो मैं अपने हाथ के नाखूनों से तुझे मार रहा हूं। तूने कहा था ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं, तो मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में नहीं आता। भगवान ने सबको बनाया, वो थोड़ी किसी सृष्टि के अंदर आते, वो सबसे बाहर है। और भगवान अपने हाथ के नाखूनों से चीरते हुए उसे मारते। अब भगवान अत्यंत क्रोध में है, देवी देवता सब आ गए हैं, पर भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। तब अंत में देवी देवताओं ने कहा कि जिसके लिए क्रोध आया है शांत भी वही करेगा। तो प्रहलाद जी को बुलाया जाता है, और प्रहलाद जी जाते ही भगवान के चरणों को पकड़ते हैं। प्रहलाद जी को देखते ही भगवान शांत होते हैं, अपनी गोद में बैठाते हैं। और जैसे एक पशु प्रेम करता है, पशु अपना प्रेम कैसे जताता है, चाटते हुए, तो भगवान एक पशु की तरह चाटते हुए उसे प्रेम कर रहे हैं।